हमें वैक्सीन की डोजेस, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर दिल्ली, पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहिए। आज की डेट में हमारे पास 5 से 6 दिन की वैक्सीन दिल्ली में बची है जो कि हम पूरी तेज़ी से लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द उचित मात्रा में दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया कराई जाए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली को और वैक्सीन की आवश्यकता है। दिल्ली में प्रतिदिन 1 लाख व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जा रही है और दिल्ली सरकार के पास अगले 5-6 दिन की वैक्सीन बची है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन करने के लिए अभी भी 2.60 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को इस विषय में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन किया जा रहा है। इसकी बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेस, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर दिल्ली, पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्सीन चाहिए? मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। बहुत ही मोटे मोटे तौर पे 1 करोड़ लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। 50 लाख लोग 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। तो 1 करोड़, 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख, 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है एक तरह से कि थर्ड वेव भी आ सकती है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। लोग भी बड़े चिंतित हैं कि पहली और दूसरी, ये दूसरी वेव तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर तीसरी वेव भी इसी तरह की रही तो पता नहीं क्या होगा। तो तीसरी वेव से भी अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरी दिल्ली को अपने को वैक्सीनेशन कर लिया तो यही एक चीज़ है जो हमें तीसरी वेव से बचा सकती है। यही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अपने को तीसरी वेव से बचा सकता है। तो उस दिशा में आपकी सरकार, दिल्ली सरकार पूरे प्रयास कर रही है और हमें केंद्र सरकार से, जैसे केंद्र सरकार अभी तक मदद करती आई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसमें भी मदद करेगी। हमें खास तौर से बच्चों की बड़ी चिंता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, अभी युवाओं को, बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं लग सकता। मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन दी जा सके, उनको भी वैक्सीन लगाई जा सके। आज की डेट में हमारे पास 5 से 6 दिन की वैक्सीन दिल्ली में बची है जो कि हम पूरी तेज़ी से लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उचित मात्रा में दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ।
ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।